देखो भाई, आज भी ज्ञान जो है ना, ज्ञान क्या ज्ञान है? इन्फॉर्मेशन है। क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास? कि इन्फॉर्मेशन है कि हम सच्चिदानंद हैं। हमारा स्वभाव जो है, स्वरूप जो है, हमारा जो आत्यंतिक स्वभाव है वो सच्चित आनंद का है। प्रेम हमारे अंदर है, ज्ञान है जी, आनंद है। आनंदो वही हम सत्यो हम शांतो हम बोधो हम। ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई। अब क्या मेरे को ये इस बात का अनुभव है? नहीं। तो क्योंकि अनुभव नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं 5 मिनट बैठ के अपना खाना पूरी कर लो, चलेगा। क्या पता मिल जाए। तो ये क्या पता है, उस भाव से नहीं मिलते। पर वहां पर एक बात समझनी होगी कि आखिर सारे गुरु लोग कहते हैं कि हमारा स्वरूप जो है सच्चिदानंद का है, फिर भी हमें इसका अनुभव नहीं होता है। रामकृष्ण को किसी कोई गया, कहता आप तो कहते हो कि गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो रामकृष्ण कहाँ धुल जाते हैं? जब गंगा में तुम डुबकी लगाते हो, याद है, तो सारे पाप कहाँ रहते हैं? बाहर किनारे पे खड़े रहते हैं। गंगा से फिर जैसे ही बाहर आते हो तो पाप तुम्हारे अंदर घुस जाते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि ज्ञान जो है ठहरता नहीं, सच्चिदानंद रूप है। और किसी ने कुछ कह दिया, सारा सच्चिदानंद भाड़ में गया, लड़ने को तैयार हो जाता। बीवी ने कुछ कह दिया, बस आ गए हम लाइन पे। फिर बीवी को कहा था ये ला के दे दे, नहीं दिया, फिर परेशानी। तो वो सारा सच्चिदानंद जो है वो भाड़ में चला जाता है। यानी ज्ञान उतना जल्दी ठहरता नहीं है। ये समझना है कि ये ज्ञान क्यों नहीं ठहरता। क्यों नहीं ठहरता? तो हमारे गुरु लोग बताते हैं कि 3 कारण हैं जिससे कि ये ज्ञान 24 घंटे नहीं ठहरता है। कौन से 3 कारण हैं? एक है अविद्या, अज्ञान, आवरण, बहुत सारे नाम। यानी आवरण का क्या मतलब हुआ? खिड़की है, उस पे पर्दा लगा हुआ है। अब बाहर सूरज है, वो रहेगा ही, चाहे पर्दा लगा रहे या ना लगा रहे। ये देखो, तो पहला जो है वो कहते हैं आवरण। अब इसको गहराई से समझना है। तो हमने क्या कहा कि हम सच्चिदानंद हैं, पर हमारा अनुभव क्या है? दुकान पे गए तो बिजनेसमैन, घर में आए तो स्वामी, हस्बैंड, बेटा और पति। हमारा जो अनुभव है वो हमें उस सच्चिदानंद को अनुभव करने से रोकता है। हम समझते हैं कि हम लिमिटेड हैं। हम समझते हैं कि हम बिल्कुल, देखो दुनियादारी है, सर गृहस्थी है, पैसा तो कमाना ही है, हम इसमें ही बंधे हुए हैं। हम लिमिटेड हैं। लिमिटेड कैसे? कि ये मेरा शरीर, ये तुम्हारा शरीर। मेरा शरीर तो वहां तक ठीक है, दूसरे का शरीर अलग है, मैं दुनिया से अलग हूं। ये आवरण है।
इसी को कहते हैं इग्नोरेंस। गुरु लोग क्या समझाते हैं? कि सब में भगवान है, तो हम अपने अंदर तो भगवान देखते ही नहीं, तो इसलिए दूसरे के अंदर ही नहीं देखते। हम कहां देखते हैं? मंदिर में जाके। और मुसीबत, ध्यान देना, इस अविद्या आवरण से हमारा, हम संकुचित हो जाते हैं, हम अपने आप को दुनिया से अलग कर लेते हैं। अलग करने से हम लिमिटेड हो जाते हैं। तो अब हम लिमिटेड हो गए ना, क्या लिमिटेड हो गए? ये मेरा घर, ये मेरी बोटी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा मन, ये मेरे पिताजी, ये मेरा टीचर, खत्म। मेरी दुनिया यहीं तक। अब ये मेरी दुकान, अब ध्यान देना, देखो। तो जब हम लिमिटेड हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, तो हमारे मन के अंदर डर पैदा हो जाता है। अब ये डर क्या करता है? डर हमें दौड़ाता है। बैंक में कितना पैसा जमा है? 5 लाख। 5 लाख और कमाना है अगले महीने, देखो। तो इस डर के कारण हम जोड़ तोड़ में लग जाते हैं, जोड़ तोड़ में। सारा संसार हम चाहते हैं कि हमारे पास आ जाए, सौदेबाजी हम करते हैं। 5 रुपए की जगह 1 रुपए में भी गुजारा चलाना चाहते हैं एक तरफ, और दूसरा तरफ जो चलो बच्चों आज तुम्हें पूरा आनंद दे देते हैं, 5,000 रुपए खर्च कर दिए अपने प्लेजर में, उस डर को छिपाने के लिए। उस डर को छिपाने के लिए हम 5,000 खर्च कर दिए, और उसी डर को छिपाने के लिए 50,000 और कमाने, चिंता उसकी भी। तो दोबारा समझना, अविद्या के कारण हमारा जो डेली का अनुभव है, डेली जो हम अनुभव करते हैं, लिमिटेड, संकुचित दायरे में हम अपने आप को संसार से अलग समझते हैं। तो अलग समझते हैं तो संसार में जो कुछ है उसको हड़पना है। क्यों हड़पना है? क्योंकि डर है। डर किस बात का है? क्योंकि हम तो संकुचित हैं। छोटा सा घर, छोटी सी दुकान, अगर ज्यादा पैसा होगा तो काम चल जाएगा, बोटी सुंदर और अच्छी होगी तो काम चल जाएगी। तो पहले क्या हुआ? पहला जो हम, हर एक आदमी इन 3 डिफेक्ट से पैदा हुआ है, जिसको दोष कहते हैं, जिसको हम इम्प्योरिटीज कहते हैं, हर एक आदमी के साथ। कोई जल्दी समझ जाता है, कोई देर में समझता है। तो उस आवरण के कारण क्या हुआ कि मैं अनुभव नहीं कर पाता किसका, कि मैं सच्चिदानंद हूं। मेरा स्वभाव, मेरा जो स्वभाव है वो प्रेम, ज्ञान और आनंद से है, डर से नहीं। अब डर क्यों आया? क्योंकि मैंने सुन तो लिया है पर मुझे अनुभव नहीं है। चलो कोई बात नहीं, तो फिर मेरा अनुभव क्या है? मेरा अनुभव ये है कि मेरा ये घर सीमित है, मेरा शरीर सीमित है, मेरी दुकान सीमित है। तो ये जो सीमित होने का जो भाव है, ये डर पैदा करता है। अब पहले डर आ गया, अब डर क्या करता है? डर अपने आप को छिपाने के लिए, दूर करने के लिए कहता है 5,000 ही कमाया इस बार, नहीं 50,000 कमाओ यार, इस बार तो कम हो गया, घाटा हो गया। उस डर को छिपाने के लिए वो ये कहता है कि बीवी भी हो जाए तो बीवी के साथ रहेंगे तो थोड़ी देर के लिए डर दूर हो जाएगा, बच्चे भी 2-3 हो जाए तो डर दूर हो जाएगा। ये कहानी यहां से चलती है। तो इतना पेचीदा मामला हो जाता है कि ये ज्ञान एकदम नहीं आता,
सुनने से नहीं, बार बार सुनने से, मनन करने से, साधना करने से वो ज्ञान आता है। पर अब एक स्टेप पे और मन आगे बढ़ जाता है, अब ये सारा हम नाप तौल पे जुड़ गए, भागा दौड़ी में लग गए, तो एक डिफेक्ट हो गया आवरण का। ये भागा दौड़ी में अब क्या होता है, भागा दौड़ी में क्या मेन बात क्या है, डिजायर, काम। अब ये डिजायर किसकी है कि डिजायर बाहर से जितना भी हड़पना है हड़प लो, क्यों, क्योंकि मैंने बाहर की चीजों में खुशी को देखा है। देख अब यहां पे जो मैंने बात बताई थी पहले, क्या सिक्स एनिमीज और छह संपत्ति। हाँ तो संपत्ति की तो बात, संपत्ति तो भूल ही गए, अब सिक्स एनिमीज में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इन छहों दुश्मनों को हम कहते हैं मन का मल है, इम्प्यूरिटीज है, अशुद्धि है। किससे आई, पहले डिफेक्ट से, आवरण से, अविद्या से, तो इग्नोरेंस से मल आया। और मल जब इतना भर जाता है तो मन 24 घंटे दुनिया की हजारों चीजों में भटकता रहता है, उसको हम कहते हैं विक्षेप। विक्षेप का मतलब है कि डिस्टर्ब्ड है माइंड, मैं खुश हूं पर माइंड डिस्टर्ब्ड, बहुत काम कर, भागा दौड़ी। तो ये जो मल है और मन के अंदर 24 घंटे जो भागम भाग लगी हुई है, ये दोनों मिलके काम करते हैं आंधी का। और ज्ञान क्या है, दिए की बाती। दिए की बाती तो ज्ञान, और आंधी का काम कर रहे हैं। आंधी का काम किसके अंदर ज्ञान डालना है, मन के अंदर, और मन के अंदर ही आंधी चल रही है। तो इसीलिए ज्ञान जो है वो धीरे धीरे आता है, उसके लिए क्लाइमेट चाहिए, उसके लिए कंडीशन पैदा करनी है। क्लाइमेट और कंडीशन पैदा करनी है, मन की अवस्था को बदलना है, तब जाके 24 घंटे ध्यान में सफलता मिल जाती है। देखो एक तो ध्यान हमने किया एक घंटे, उसके बाद छोड़ दिया तो डिसकंटिन्यू हो गया ना, ये तो हम पहले दिन से कर सकते हैं। और एक ध्यान ऐसा होता है कि एक बार किया बस, अब हम ध्यान में ही, चाहे आप खोलो बंद करो, चाहे काम करो, चाहे चलो, ऐसी अवस्था जब आ जाती है तब हमारा इग्नोरेंस जो है वो हट जाता है, अविद्या हट जाती है, उससे पहले नहीं हटती, उससे पहले बनी रहती है, फिर उभर के आ जाएगी संस्कार के कारण, मल के कारण, आवरण के। बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया तो हमने शुरुआत की थी, कहां से की, ये हमारा जो स्वभाव है वो तो सच्चिदानंद है, कोई दो राय नहीं, पर हम अनुभव नहीं करते। तो हम अनुभव नहीं करते, उस अनुभव ना करने का जो कारण है वो है अविद्या, वो है इग्नोरेंस। जैसे कविता को क्लास खत्म होने के बाद देखना और ये अनुभव करना कि क्या हम दोनों एक हैं, तो मन कहेगा पति पत्नी एक हैं। अरे हम दोनों एक हैं, हाँ एक ही है, मैं पति हूं ये पत्नी, ये भाव आता ही नहीं मन के अंदर कि वास्तव में ये दो नहीं है, कुछ भी कर लो, क्योंकि ये भाव नहीं आता तो अनबन होती है। दो में अनबन होगी ना, एक में कहां होगी, छोटी बात को लेकर भी होगी, बड़ी को भी होगी, पर इतना तो रहेगा ही पता है कि हम अलग हैं, कुछ भी कर लो।
कुछ भी कर लो हमें पता रहेगा कि अलग है। इसको कहते हैं आवरण, इग्नोरेंस। और इसके कारण क्या होती है? फियर। फियर के कारण आपाधापी, आपाधापी से क्या? डिजायर। डिजायर से वो छह दुश्मन से क्या? यही छह दुश्मन मल कहलाते हैं। तो दूसरा डिफेक्ट क्या है? मल, माइंड का मल। और मल के कारण क्या होता है? विक्षेप, डिस्टर्ब माइंड। 24 घंटे माइंड इज डिस्टर्ब्ड। तो दो बातें हैं यहां, क्योंकि मल जो है मेरे मन के अंदर और डिस्टर्बेंसेस इंटेलेक्ट के अंदर, क्योंकि लैक ऑफ फोकस है, उसको पता ही नहीं क्या करना है। डिस्टर्बेंस और टेंशन और डुअलिटी और कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है जी, हाँ समझ आया। दो बातें, तीन बात। पहले हमारा स्वभाव, गुरु बताते हैं स्वभाव है सच्चिदानंद, पर हमें अनुभव तो है नहीं। तो अनुभव नहीं है क्यों? कारण क्या कारण है? अविद्या। इस अविद्या से मल, मल से विक्षेप, डिस्टर्ब माइंड, फंस गए, संसार में फंस गए। जैसे मैंने बताया दो उदाहरण देके कि पाप, रामकृष्ण से पूछा पाप धुल जाते हैं गंगा में, कहते हैं धुल जाते हैं। जब तक तुम गंगा के पानी के अंदर रहोगे तब तक पाप बाहर वेट करते हैं। ये जो पाप वेट करते हैं वो मन का कारण है, मल और इम्प्योरिटीज एंड डिस्टर्बमेंट। अगर इन दोनों को दूर कर दें तो वो पाप जो है हमारे किनारे पे वेट नहीं करें। फिर गंगा में नहाने से सारे पाप धुल गए और वापस आए तो धुले रहे। फिर वो आंधी तूफान जो मल और विक्षेप की है वो ज्ञान के दिए को डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ज्ञान किस, कैसा ज्ञान? हमारे स्वभाव का। क्या हमारा स्वभाव? सच्चिदानंद। बार बार सुनना, एक बार नहीं सुनना, सुन के सोते खाते पीते इसको समझना कि हाँ इससे जो प्रश्न उभरेंगे वो बताना तुम मुझे। 50 प्रश्न आने चाहिए तब समझूंगा कि हाँ वास्तव में अब ये गहरी साधना में तुम जा रहे हो। तो अब दो समस्याएं, ज्ञान को हम पहले डायरेक्टली जला लें, जगा लें, पर आंधी तूफान तो आती रहेगी। तो जितनी बार भी हम ज्ञान को जगाएंगे तो आंधी तूफान बुझा देगी। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा? मन के मल को दूर करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव कि विक्षेप जो है मन के अंदर, ये डिस्टर्ब माइंड है, इसको शांत करना। हम ऐसे करते हैं ना कई बार, घर में तो चल जाता है, घर में जो हमने दिया जलाया, बाहर आंधी आ रही है, बाहर हम रखना चाहते हैं दिए को, बाहर रखा दिया बुझ गया, फिर जला के लाए, फिर बुझ गया। तो उस मल और उसको दूर करना है। तो हमारे गुरु लोग कहते हैं दो बातें, चित्त शुद्धि, मन की शुद्धि, यानी मल से। कौन से मल हैं? वो मल ये वाले हैं, छह दुश्मन, ये मल है। और विक्षेप, डिस्टर्ब माइंड, अनस्टेडी माइंड। अब सवाल ये पैदा होता है कि साधना कहां से शुरू करें। तुम्हें ख्याल आ जाएगा कि जैसे जैसे मैंने तुम्हें साधना करवाई और तुम उभर के आ गए,
तो हमारे पास तीन यंत्र हैं, तीन ही इंस्ट्रूमेंट, एक तो शरीर, एक है शब्द स्पीच जिसको वाक कहते हैं, और तीसरा है मन और बुद्धि। तो मन बुद्धि से जितना भी हम करेंगे तो वो अंतरंग साधना होगी, इनर साधना होगी। स्पीच से करेंगे तो वो बाह्य होगी, अंतरंग भी हो सकती है। शरीर से हमें लगेगी कि बाहर की भी है, वो अभी अंदर की हो सकती है। तीन ही इंस्ट्रूमेंट है, मैं कैटेगरी बना सकते हैं, शरीर स्पीच यानी वाणी और मन और बुद्धि। शरीर, शरीर से क्या करें? तुमने भजन में पढ़ा होगा, गुरुदेव का सेवा सिमरन सत्संग पढ़ना। अब दोबारा कहाँ लिखा है? सेवा सिमरन सत्संग, झोली में मेरी भर दे। तो ये जो शरीर है, बहुत सारी बातें हैं उसमें, सेवा है, कर्म योग है, पर सबसे बड़ी साधना शरीर के द्वारा है। तुम कहोगे ये तो मैं डेली कितने सालों से कर रहा हूं, कविता कितने सालों से कर रही। सबसे बड़ी शरीर की साधना है पूजा, प्रेयर, वर्शिप। कहां हमने पूजा की? हमने तो पूजा की नहीं कभी भी। समझी नहीं ना, पूजा ऐसी जबरदस्ती मुंह से पूजा, कोई पूजा थोड़ी होती है। तो अब ये समझना है कि ये असली पूजा है क्या। फिर अभी तक तो हमने सिर्फ अपने मतलब के लिए पूजा की है कि हमारा ये काम हो जाए। बेसिक में अंदर जो है वो अपना जो है वो इच्छाएं चल रही हैं, और ऊपर से भगवान पे इंस्ट्रूमेंट बना रखा है कि गोल मिल जाए। और क्या, चलो और किसी से नहीं मिल सकता, यही फ्री का काम है, यही फ्री का काम। हाँ, तो वो तो आप पूजा का मतलब हम समझेंगे कि ये पूजा प्रेयर क्या है। तो पहली बात ये समझनी है कि ये जो पूजा है पूजा से हमारे मल, मन का मल दूर हो जाता है। अगर दूर होता है तो पूजा है, पूजा मल दूर नहीं हुआ तो पूजा नहीं। सीधी सी बात, साफ समझ कि एक गिलास पानी पिया, और पिया तो प्यास बुझ गई, नहीं बुझी तो पानी है ही नहीं। सोचो, तो ये जो पूजा है, मंदिरों में जो जाना है, प्रेयर करनी है, या घर पे बैठ के गुरुदेव की किताब को लेके हमें डेली पूजा करनी है। पूजा का मतलब है कनेक्टिंग, जोड़ना अपने आप को, अपने आप को जोड़ना। किससे जोड़ना? सच्चिदानंद, भगवान से। तो अपने आप को जो भगवान से जोड़ने की जो कला है, आर्ट है, उसका नाम पूजा। बहुत सारे तरीके। अब मैं तुम्हारे घर आया, तुमने क्या किया? वेलकम, आइए सर, आइए सर, आइए। तो उस वेलकम का नाम है आवाहनम। पूजा का पहला प्रयोग है, पहला स्टेप है आवाहनम। आइए सर, वेलकम। हाँ, मैं आया तो वेलकम करूँ, कोई स्ट्रेंजर आएगा तो नहीं करूँ।
मतलब परमात्मा को वेलकम करना पहला आह्वान है, पहला स्टेप है। अब हमारे पास टाइम नहीं है। मेरे मन में आओ। हाँ, मेरे हृदय में आओ। मेरे हृदय में आओ। अब सच्चिदानंद का तो कोई रूप नहीं है, तो जो भगवान हमें पसंद है, जो गुरु हमें पसंद है, उस गुरु को हमने आग बंद की, अब उसको देखा हृदय में, आवाहन, वेलकम। अब मैं घर आया तो फिर क्या करते हो? दूसरा स्टेप, आसनम, बैठिए सर। तो कनेक्शन जोड़ना है। जैसे हम बाहर संसार में कनेक्ट करते हैं अपने आप को, वैसे ही अंदर कनेक्ट करना है। उसका नाम, अब ये पूजा शुरू होगी। यूँ नहीं कर जब बैठ के चलो किताब खोलो यार, हम जय जगदीश हरे, तेल चढ़ा दो, ना वो नहीं होगी। तो शरीर से जो पहली बात ये है, पहली बात वेलकम, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आसनम, बैठिए सर। तो पुराने समय में तीसरा स्टेप क्या है? पाद्यम। पाद्यम क्या? तो पाद्यम क्या वो करते थे ना, जैसे हम दिखाते हैं कि गुरुदेव को हमने कई बार किया, अपना पानी ले आए और थाली में रख के हमने उनको पैर धोए। आप थक गए होंगे महाराज, बैठिए। तो उसी तरह से उसको मन में करना है पहले। तीन स्टेप हो गए। पाद्यम के मतलब उसके बाद आती है अर्चना कि हे भगवान, मैं तुम्हारे, तुमको अपना सब कुछ समर्पण करता हूं। उसके बाद होनी चाहिए ये आरती फारती सब कुछ। उसका नाम पूजा। बाहर से भी हो सकती है, ये मानसिक हो गई, मेंटल हो गई, मेंटल बाहर से भी हो सकती है। मैं बड़े अच्छे कृष्ण भक्त से मिला था मथुरा में, पता नहीं जिंदा नहीं होंगे, उस समय ही 80 साल के हैं थे। चार बजे उठते तो मैं भी उठ गया। 4 बजे उठते, उठने के बाद अपना नहाया धोया, एक धोती पहन ली, फिर दौड़े दौड़े गए मंदिर में। कृष्ण की इतनी छोटी मूर्ति, पहले प्रणाम किया, आवाहनम, वेलकम। आसनम, बैठिए। प्रभु जी, जोर से बोलते थे, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपको स्नान कराऊं। फिर उसको बाथरूम ले जाते थे, इतना डूब जाते थे वो, पता ही नहीं लगता था कि बाहर कोई है। मैं बैठा बैठा अवाक से देखता रहता था। उसको नहलाया, आसनम, बैठिए। पाद्यम, अर्चनम, वंदना, और डूब जाते थे। और आधे घंटे ये करने के बाद फिर वो देखते रहते थे, उनके आंखों से आंसू छलकते रहते थे 1 घंटे तक, 1.5-2 घंटे को देख के आंसू छलकने लगते। हाँ, 1.5 घंटे के बाद फिर जाके वो कहते थे, आप यहीं बैठे हुए हैं? इसका नाम है पूजा। क्या होगा इससे? सारे मन के पाप धुल जाते हैं। तो एक बाहरी रूप है उसको करने का, और एक अंदर का रूप है। मन से भी हम कर सकते। मन से इतना डूब गए, मन से डूब गए, डूब गए, डूब गए, डूब गए। मन से डूब गए इतना,
इसका नाम है पूजा। पूजा का उद्देश्य क्या है? कनेक्ट करना। कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं? किसी के बारे में हम देखते हैं किसी को, फिर सोचते हैं, फिर बार बार सोचते हैं। सोचने से, बार बार सोचने से फीलिंग और इमोशन आती है। तो फीलिंग इमोशन आती है तो फिर हम उसको कहते हैं कि आई फॉल इन लव विद यू, आई लव यू। वही तरीका अपना। तो जब हम किसी आदमी, किसी वस्तु को देख के, सोच के फीलिंग और इमोशन आती है और हमें उससे प्यार हो जाता है, यही एजुकेशन मन को देनी। सच्चिदानंद से नहीं हो सकता कि कोई आदमी कृष्ण हो जाए, राम हो जाए, रहीम हो जाए, कोई भी हो जाए, दुर्गा हो जाए, क्या गुरु हो जाए। तो सोचना है। तो टीचर समझाता है कि सोचना कैसे। तो समझाने की प्रक्रिया को कहते हैं सत्संग। उसको सत्संग। सत्संग ये नहीं कि 50,000 जमा हो गए, डांस कर रहे हैं जी, नहीं। सत्संग उसको कहते हैं। वही सारे मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, पर किसी दूसरे। तो पहला जो फैक्टर है, हमने क्या समझा कि हमारा स्वभाव सच्चिदानंद है पर मुझे अनुभव नहीं है। तो यहां से यात्रा शुरू करनी है कि मुझे अनुभव क्यों नहीं है, क्योंकि तीन डिफेक्ट हैं, तीन दोष हैं। कौन से तीन दोष हैं? अविद्या, मल और विक्षेप। तो बिना मल और विक्षेप को दूर किए हुए हम अविद्या को दूर नहीं कर सकते। तो हमारे पास तीन ही यंत्र हैं, शरीर, स्पीच यानी वाणी और मन और बुद्धि मिला के। हाँ, उसको कहते हैं काया, वाक, मन। तो फिर हमारे पास आ गया इस काया की, काया को किस तरह से इस्तेमाल करें। तो काया को इस्तेमाल करने के लिए पूजा है, तीर्थ है, कुंडलिनी है, ये सारी चीजें इस काया के अंदर आती हैं। फिर पूजा का क्या मतलब? कि अपने आप को कनेक्ट करना। तो सोचो, तुमने कविता से कैसे कनेक्ट किया? पहले पहले जब नहीं मिले थे तब, और फिर पहली बार मिले तब, फिर एक हफ्ता हो गया तब। सोचो, तो उसी तरह से मन कनेक्ट करे। बड़ी गूढ़ प्रक्रिया है, इसको मैं बार बार बताऊंगा तब जाके पल्ले पड़ेगी। तो अंतिम बात मैं चुटकी लेके खत्म करता हूं कि जिस तरीके पल्ले तो पड़ जाती है पर दिमाग में फिर भूल जाता है दिमाग। हाँ, तो इसीलिए बार बार करना। ज्ञान जो है वो एकदम नहीं आता ना, ज्ञान के लिए क्लाइमेट चाहिए, कंडीशन चाहिए। मैंने पहले ही कह दिया, तो वो क्लाइमेट और कंडीशन तैयार है। क्या मतलब? चित्त शुद्धि, मल दूर हो। सीधे वही उत्तर है, मल दूर हो और मन और बुद्धि की एकाग्रता हो, डिस्टर्ब ना, फोकस रहे। इसीलिए तो भूल गया था। तो हमने ये किया ना, पर पूजा यहां नहीं रुकती। अब हमने किया, पूजा खत्म हो गई। अब इसी पूजा के भाव को लेकर हमने संसार में कदम रखा। कविता को देखा तो वही भाव, वेलकम भगवान इस रूप में, बच्चे इस रूप में, दुकान इस रूप में। ये तीसरा है, ये बड़ा अनमोल है कि सब में वही है भगवान।
इस पर विचार करना कि पहले तो हमने अपने अंदर जगाया और फिर वही उसी भगवान को हमने सबके अंदर जगाया।